आपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखा होगा कि हर कोई डॉक्टर बना हुआ है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स से लेकर नैनो और मैक्रो यानी कि कम फॉलोवर्स वाले जो क्रिएटर्स हैं वो भी स्किन से जुड़े हुए उत्पाद, न्यूट्रिशन से जुड़े हुए उत्पाद और यहाँ तक कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की बीमारी, सेहत से जुड़े हुए तमाम टिप्स और सलाह ऐसे देते हैं जैसे वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए डॉक्टर्स हों। लेकिन अब हेल्थ और वेलनेस प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर सरकार की कड़ी नज़र है। सरकार की नज़र तो इन पर पहले से थी, सरकार की भी थी, आस्की की भी थी, लेकिन अब थोड़ा और ये नज़र टेढ़ी हो गई है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जल्द ही गाइडलाइंस जारी करने वाली है और इन गाइडलाइंस के तहत अब सोशल मीडिया पर हेल्थ और वेलनेस की सलाह देने वालों के लिए अपनी योग्यता का खुलासा करना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई अगर आपको हेल्थ टिप दे रहा है किसी भी चीज़ से जुड़े हुए, जो सेहत से जुड़ा हुआ जो मसला है, तो उसमें उनको बताना होगा कि आखिर किस हैसियत से वो आपको ये टिप दे रहे हैं। क्या वो कोई क्वालिफाइड प्रोफेशनल है इस काम को, किसी को सलाह देने के लिए या नहीं। हेल्थ को लेकर बिना किसी डिग्री या बिना किसी योग्यता के सलाह देने वालों पर कड़ी नजर रहेगी, उनकी घेराबंदी की जाएगी और जरूरत पड़ी तो फिर उन पर नकेल भी कसी जाएगी। और इसके लिए कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री बाकायदा इस पर टेक माध्यमों का इस्तेमाल करेगा। अब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, अपने फॉलोअर्स को हर एक कंटेंट में अपनी योग्यता का खुलासा करना होगा। मसलन अगर कोई आपको बालों से जुड़ी हुई कोई टिप दे रहा है या कोई बात बता रहा है, तो उनको बताना होगा कि उनकी क्वालिफिकेशन ये किसी को सलाह देने के लायक है भी या नहीं। पता चल रहा है कि पढ़ाई कुछ और की है और यहाँ पर आप किसी और चीज़ का सलाह देते हुए नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है आप क्वालिफाइड ही ना हो। तो इस तरह से आम लोग जो ठगे जाते थे, और सिर्फ ठगे की बात नहीं थी, इसमें सेहत से जो खिलवाड़ होता था वो बहुत बड़ी एक चिंता थी और उस पर नकेल अब कस रही है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है जो ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स को सुनना चाहिए कान खोल के। आप जो अपनी योग्यता का खुलासा करेंगे वो कोई हड़बड़ी वाले शब्दों में, अस्पष्ट शब्दों में नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे आपको खुलासा करना होगा कि आपके फॉलोअर्स को वो स्पष्ट रूप से दिखे या फिर स्पष्ट रूप से सुनाई दे। ये नहीं कि हवड़ हवड़ करके निकल गए, आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा उसको तसल्ली से। दरअसल हो ये रहा था कि सोशल मीडिया पर स्वास्थ्य को लेकर सलाह देने वाले फर्जी कॉन्टेंट की बाढ़ आ गई थी। जी बिजनेस अपने कई प्रोग्राम्स में ये बात उठा चुका है, लेकिन लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ जारी रहा। खासतौर से कोविड के बाद प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की मांग बढ़ी है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पौष्टिक औषधीय पदार्थ यानी कि जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, हम तो एक न्यूट्रास्यूटिकल्स को पकड़ रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा सेगमेंट ही न्यूट्रास्यूटिकल्स का है। इसके अलावा भी हैं, स्किन केयर है मैंने आपको बताया, बाकी सब सारी चीज़ें हैं इसमें। और सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल का ही अगर आप मार्केट देखें, साल 2025 तक $18 बिलियन तक जा सकता है और 2030 में इसकी ग्रोथ $100 बिलियन तक जा सकती है। हमने बकायदा आपको न्यूट्रास्यूटिकल की ग्रोथ का प्रोजेक्शन भी दिखाया था जी बिजनेस पे और उस पर तमाम लोगों से बातचीत की थी। तो न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री तो आगे बढ़ रही है, लेकिन कैसे बढ़ रही है थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। जी तोड़ मेहनत से अगर आगे बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एड्स में फर्जीवाड़ा हो रहा है या एक आम कंज्यूमर को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में कहीं पर रुकावट आ रही है तो फिर गड़बड़ है। इसलिए अब तक जितने भी हेल्थ और वेलनेस प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी हैं, उनकी मार्केटिंग का अहम हिस्सा होते थे, बिना किसी डिग्री के ऐसे प्रोडक्ट के इस्तेमाल के लिए वो सलाह नहीं दे सकते और इसके लिए सरकार ने कमर कस ली है। अब थोड़ा सा ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का जो बाजार है, हमने कई बार आपको दिखाया है, लेकिन फिर भी आपको और दिखाते हैं कि दरअसल ये कितनी बड़ी चिंता है। अब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो तरह तरह के कोलैबोरेशंस के साथ जो है हर कोई कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। वो बड़े सेलिब्रिटीज़ एक तरह से हो गए, वो फेस ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गए आजकल, फेस ऑफ द ब्रांड्स हो गए। और ब्रांड्स भी जानते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू बहुत ही कम समय में छोटे छोटे ब्रांड जो हैं वो बड़ी बड़ी जर्नी तय कर चुके हैं। 2022 में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जो बाजार था वो 1275 करोड़ का था, लेकिन प्रोजेक्शंस ये हैं कि 2025 तक लगभग 20% की जो वार्षिक वृद्धि है उसमें इसने 2800 करोड़ रुपए का हो जाना है, ये संभावना है, ये प्रोजेक्शंस है। वर्ष 2022 में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बाजार जो हमने आपको बताया वो 2025 का है, और फिर आगे ये जिस
तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसमें स्वाभाविक रूप से सरकार की ये चिंता थी कि इस जर्नी को हम कैसे ऑर्गेनिक बनाएं, इसमें कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इसमें कंज्यूमर के इन्फॉर्म्ड डिसीजन के राइट्स का उल्लंघन ना हो, और इसके लिए सरकार ये अब कमर कस रही है। अब देखते हैं कि कब तक ये आएगी, लेकिन इससे पहले ASCII जैसी जो संस्थाएँ हैं, जो बॉडीज़ हैं, उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है, बीच बीच में लगाम लगने की कोशिश की है, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर्स और इस तरह के ब्रांड्स और इनके बीच में जो एजेंसीज होती हैं वो मानते नहीं, लिहाजा अब थोड़ा सा इन्हें और कसने की बात कही गई है। तो ये थोड़ा सा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोई बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़े दिनों दिन हर कोई चाहता है, लेकिन इस पे जो रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, उनका सफाया होना भी बहुत ज़रूरी है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत खास मेहमान मनीषा कपूर जी जुड़ चुकी हैं, महासचिव हैं ASCII की एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। मनीषा जी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड है न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI की। श्वेता खंडेलवाल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मनीषा जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सरकार ने अभी 50 लाख तक के जुर्माने की बात भी कही थी, बहुत सारे आप लोगों के भी अपने रूल्स आए, कई मर्तबा आए, सरकार ने भी इसमें कई बार रूल्स को स्ट्रिंजेंट करने की कोशिश करी, लेकिन अब ये जो आपको डिस्प्ले ऑफ योर क्वालिफिकेशन करना होगा, ये कितना सिग्निफिकेंट है, कितना जरूरी था? देखिए, जो कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे पर्टिकुलरली हम मानते हैं कि हेल्थ एंड फाइनेंस, ये जो दो कैटेगरीज हैं और इसमें जो आप एडवाइस देते हैं, पर्टिकुलरली हेल्थ, एक तो होता है जनरल हेल्थ कि आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छा खाइए, वो तो एक आम कंज्यूमर हम लोग भी जानते हैं क्या करना है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन कई कई हेल्थ एडवाइस होती है, अगर डिजीज रिडक्शन की या क्योर की, या कोई डिसऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, या आप इम्यूनिटी वगैरह की बात कर रहे हैं, जो एक स्पेसिफिक बेनिफिट्स देती हैं, जैसे कि जैसे हम कह रहे हैं कि कोई डिजीज रिडक्शन वगैरह की जो क्लेम है या प्रिवेंशन की क्लेम है, तो ये लोगों की हेल्थ पे असर कर सकता है। सिमिलरली अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो ये डायरेक्टली आपके पैसों के ऊपर इसका असर हो सकता है। तो हमें लगता है कि जो ये दो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, इनमें डेफिनेटली एक पर्टिकुलर टाइप की जो एडवाइस दी जा रही है, ये बेटर है कि कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल या जो कोई क्वालिफाइड हो, कोई न्यूट्रिशनिस्ट हो, ये इस प्रकार की जो एडवाइस है वो वही दे विज्ञापनों में। और इन्फ्लुएंसर्स जैसे बहुत ब्रांड्स वगैरह को भी प्रमोट करते हैं, पर जहाँ तक ये हेल्थ एडवाइस दे रहे हैं, या हमें लगता है इवन फाइनेंस सेक्टर इसमें जुड़ जाता है, तो ये एक सीरियस, इसमें कंज्यूमर्स का नुकसान हो सकता है अगर वो फॉलो करे ये समझ के कि ये एक्सपर्ट्स हैं और एक्चुअली जो इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, चाहे उनकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस ना हो इन कैटेगरीज में, हो सकता है उनका पर्सनल तजुर्बा हो, लेकिन एक पर्सनल तजुर्बा और एक एक्सपर्ट की राय में बहुत फर्क होता है, और इस वजह से कंज्यूमर्स गुमराह ना हो जाएं, उनकी हेल्थ का या उनकी वेल्थ का नुकसान ना हो जाए, आई थिंक ये चीज़ें ज़रूरी हैं। कई चीज़ें जो मुझे लगता है कि जैसे पर्सनल केयर है, आप या कोई एक मानी हुई नॉर्म्स हैं, जैसे हम बोलते हैं कि चलो गाजर खाने से आंखें अच्छी हो जाती हैं, या यू नो आप अपना शिकाकाई लगाने से बाल अच्छे हो जाते हैं, उसमें हमें लगता है कि इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेफिनेटली अगर हम डिजीज़ की बात करें, सीरियस हेल्थ कंडीशंस की बात करें, या अपने फाइनेंस को लेके बात करें, तो डेफिनेटली इस चीज़ में बेटर रहेगा कि एक आप अगर आप एक एक्सपर्ट हो तभी आप अपनी राय दीजिए, नहीं तो आप जनरल राय दीजिए वो ठीक है, लेकिन इन दो कैटेगरी से थोड़ा आप बच के रहिए। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो माने जाने जो फैक्ट्स हैं या जो प्रचलित धारणाएं हैं और जो एक तरह से फैक्ट में ही कन्वर्ट हो गई हैं जो काफ़ी समय से, जैसा आपने कहा कि गाजर खाने से, जैसे जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं कि सब्जियां खाने से आपकी आंखें अच्छी होती हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर कोई किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम ले, अगर किसी पर्टिकुलर वो केमिकल का नाम ले और उसको ये कहकर प्रमोट करे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए आप इस पर विश्वास कीजिए, तो वहाँ पर हमें देखना होगा। खैर, अभी हम ये कुछ कह नहीं सकते, सरकार की जब गाइडलाइंस आएंगी तो उसमें ज़्यादा हमें रोशनी मिल पाएगी, लेकिन हेल्थ और वेल्थ आपकी जो दो मेन जो धरोहर हैं उनके लिए बहुत सख्त है सरकार। डॉक्टर खंडेलवाल, अब वेल्थ का देखिए, हम तो बिजनेस चैनल से हम तो कहते ही हैं कि अपनी वेल्थ का ख्याल रखिए, बिल्कुल सर्टिफाइड हो, सेबी से सर्टिफाइड हो, लेकिन उसमें चलिए आपका पैसा गया, यहाँ पर तो आपका पैसा भी गया और सबसे बड़ी बात है आपकी सेहत गई,
और सेहत मतलब जिंदगी, तो एक तरह से ये कम इसमें खतरा नहीं है, क्या कहेंगी इन गाइडलाइंस के आने की जो कवायद कर रही है सरकार, कितना क्रांतिकारी ये कदम होगा? देखिए दो बातें हैं दीपक, सबसे पहला तो हमें ये समझना चाहिए और ऑडियंस को बताना की जरूरत है कि केवल चार इंडस्ट्रीज अलोन, जिसे टोबैको, अनहेल्दी फूड्स, फॉसिल फ्यूल्स और अल्कोहल, केवल ये चार इंडस्ट्री पूरे यू नो डेथ्स का 1/3 कॉज करती हैं। तो मतलब ये अभी 23 मार्च को लैंसेट ने, एक बहुत अच्छी मानी हुई जर्नल है, एविडेंस बेस्ड है, उसने पूरा कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे सेक्शन निकाला है, जिसमें कि ये क्लियरली बताता है कि बहुत सारी चीजें केवल इस क्वालिफिकेशन को एग्जिबिट करने से काम, मतलब ये अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा पहल है, लेकिन दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा भी बहुत सारी और छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले हमने बोल दिया क्वालिफिकेशन आप बता देंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन आधे लोगों को पता नहीं होता, कोई PGDE लिख देगा, कोई PGE लिखेगा, या क्या कैसे होगा, तो वो डिस्क्रिप्शन पूरा प्रॉपर होना चाहिए कि क्या। और कई लोग आजकल शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करने लगे हैं जो रिकग्नाइज नहीं होते, जो चीजें नहीं होती, उसको पढ़ के लोग बोलने लगते हैं कि मैं ये फलां न्यूट्रिशनिस्ट हूँ या मैं ये फलां ये चीज हूँ, हेल्थ कोऑर्डिनेटर हूँ, तो वो भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन लूप होल्स में। तो मेरे हिसाब से, मैं टाइम कम होता है इसलिए मैंने एक फ्रेज सोच रही थी कि कैच एक वर्ड होना चाहिए, जैसे CATCH, मेरे लिए ये पांच चीजें CATCH वाली जरूरी हैं जो ये गाइडलाइंस में शामिल हो। सबसे पहला कि कमर्शियल इंटरेस्ट, सी फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट को कंप्लीटली ध्यान से डिक्लेयर करके प्रॉपरली पेड प्रमोशंस, फंडिंग सोर्स बिल्कुल ठीक से बताना चाहिए। पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, कमर्शियल को नहीं, तो इसलिए कमर्शियल इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। सी, ए से अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम वर्ड्स में बोल के निकल जाते हैं, लेकिन प्लीज रिमेंबर, अगर मैं या कोई भी पर्सन जो अपने आप को एक एक्सपर्ट भी मानता है, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है, चाहे मैं डिग्री लगा दूं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारी बनना, वो एक अकाउंटेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और ट्रांसपेरेंट वे में, जो कि मैं अभी आपको समझा रही थी कि क्या डिग्री है, क्या तरीके से बताएंगे, कैसे बताएंगे, तो पिनलाइजिंग एक्शन वगैरह हमें भी, मतलब अगर हमने कुछ गलत करा है तो हम पर भी होना चाहिए। तीसरी बात है टेक्नोलॉजी की, CAT T फॉर टेक्नोलॉजी। आजकल बहुत सारे डिवाइसेस और तरीके हैं जो प्लेजरिज्म, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, कारगर हो सकते हैं, ये दूसरी कंट्रीज भी कर रही है, इंडिया भी कर सकता है और बहुत अच्छे से कर भी रहा है कुछ कुछ छोटे स्टार्टअप्स में, उसको स्केल अप किया जाए और उसको भी इसकी मदद लेके यूज किया जाए, जो कि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने भी बोला है। सी, दूसरा जो सी है वो है क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी ऑफ साइंटिफिक एविडेंस और ट्रस्ट की। केवल एक बोल देना कि मैं PhD करके आ गई हूँ, वो नहीं, बट मैं ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊँ, मेरी बात सिंपल वे में दूसरे को समझ आ पाए, उस क्रेडिबिलिटी, आइडेंटिटी को, ट्रूथ को, वो समझने की भी सरकार को किसी तरह कोशिश करना चाहिए कि कैसे इस क्लॉज को निकाल सकूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज को, ये हमारी खुद की एज अ पब्लिक हमारी भी जिम्मेदारी है, हमें हेजिटेट करना चाहिए टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। एक व्हाट्सएप आया नहीं कि हल्दी का ये करना है तो सारे दुनिया में हल्दी ही हल्दी हो गया। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बुरी चीज है, बट ये भी पता होना चाहिए कि एक्सेस, वो लोगों को ये अपर लिमिट ना बताओगे तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए जन आंदोलन करना अच्छी बात है, लेकिन नॉइजी होना या एडवोकेसी के लिए बोलना, ये सब पॉजिटिव चीजों के लिए करें, ये तो आपने बहुत ही के लिए ना करें। तो बहुत ही बढ़िया आपने ये जो कैच का जो मंत्र दिया है, मुझे लगता है ये इंडियन फिलॉसफी में जो पंच महाभूतों का जो मंत्र है ना, जीवन का आधार, ये वैसा ही हो गया। बहुत ही बढ़िया, मतलब सीरियसली बहुत इंप्रेसिव आप तरीके से आपने बताया, इफेक्टिवली बताया कि कैसे हम कैच के मंत्र के थ्रू इस पर लगाम कस सकते हैं। लेकिन मनीषा मैम, एक चीज़ हमें आती है कि हम फिर, जैसा आप भी कह रही हैं कि जो मानी हुई जो अवधारणाएँ हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कई बार हम एज अ पॉलिसी मेकर शायद फंस जाते हैं यहाँ पर कि हम वो लाइन कैसे खींचे कि कौन सी ऑर्गेनिक सलाह है और कौन सी नहीं है, कहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ पर आपको सामान्य अपना अनुभव शेयर करके काम चल जाएगा, तो वो क्या स्पष्टता हो पाएगी मैम? तो आई थिंक ये डेफिनेटली इसमें सोचने की जरूरत है, जैसे गाइडलाइंस बनती हैं तो उसमें क्या केसेस पकड़े जा सकते हैं, क्या छूट जाएंगे, ये ऑफ कोर्स एक वाइडर कंसल्टेशन की इसमें ज़रूरत होगी एक्सपर्ट्स से, स्टेक होल्डर्स से। पर इन जनरल, मतलब मैं कहूँगी कि अगर कोई कहेगा कि एक्सरसाइज सेहत के लिए अच्छी है, मॉडरेशन सेहत के लिए अच्छा है, आप
डिनर के बाद सैर कर लीजिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है, ये मुझे लगता है कि एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस हैं। पर आप अगर ये कहें कि आप डिनर के बाद आप चलेंगे तो आपकी डायबिटीज 3 पॉइंट्स कम हो जाएगी या आपकी शुगर कम हो जाएगी, ये जो सलाह है वो एक एक्सपर्ट ही दे। तो एक जनरल तरीके की जो एक्सेप्टेड है कि कई चीजें, और ये एक्सेप्टेड इसलिए हैं कि इनकी साइंटिफिक एविडेंस बहुत ओवरवेलमिंग है फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो ये कई डेकेड्स के ऊपर जो ये रिसर्चेस की हैं, इन्होंने ये चीजों को कंफर्म किया है। तो वो एक, जैसे हम कह रहे हैं कि आम धारणा बन गई है, पर उसका प्रेजेंटेशन का तरीका भी इंपॉर्टेंट है। आप उसको किस लेवल पे जाके छोड़ रहे हो, आप उस पर जनरल एडवाइस दे रहे हो या आप ये कह रहे हो कि नहीं, इससे आपकी डिजीजेस कम हो जाएंगी या ये चीज आप प्रिवेंट कर सकते हो, या एक आप बहुत स्पेसिफिक उसमें कुछ आप राय दे रहे हो किसी इंग्रेडिएंट के बारे में। तो उस चीज में डेफिनेटली हम देखते हैं कि एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की राय जरूरी है कि आपका हेल्थ का नुकसान ना हो। अगर कोई आपको बोलता है कि आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आप करेंगे, अगर ऑफ कोर्स इफ यू डोंट हैव एनी यू नो कंडीशंस पर से, बट इन जनरल ये माना जाता है कि एक्सरसाइज एंड वेजिटेबल्स खाना या एक गुड डाइट आपकी सेहत के लिए अच्छी है। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ नुकसान नहीं है, बट द मोमेंट इट क्रॉसेस द लाइन एंड गोज इनटू जो हम कहते हैं डिजीज रिडक्शन, या डिजीज के बारे में आप बात करें या कोई डिसऑर्डर के बारे में आप बात करें, कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में आप बात करें, तो उसमें डेफिनेटली एक एक्सपर्ट ही अपनी राय दे सकता है। उसमें क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं, क्या ये सब पे लागू होता है, इसके क्या एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जैसे आप मोर स्पेसिफिक और मोर डिजीज की तरफ आपकी सलाह बनती है, तो उसमें डेफिनेटली एक एक्सपर्ट का होना बहुत जरूरी है। पर एज आई सेड कि ये अभी एक वाइडर कंसल्टेशन की इसमें ज़रूरत है, कई एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड कि कंज्यूमर्स इस पे आजकल किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या उनका विश्वास है इन चीज़ों पे। तो ये थोड़ी सी स्टडी करके मुझे लगता है जो हम गाइडलाइंस बना सकते हैं इसके ऊपर, तो वो ज़रा सॉलिड ग्राउंड पे होंगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो आई थिंक उसकी एंड वो कंसल्टेशन आई एम श्योर सरकार भी करेगी, और उसी के बाद वो कोई गाइडलाइंस इस चीज में लाएंगे। एब्सोल्युटली बट डेफिनेटली आई थिंक इसकी नीड है, आई थिंक वो एब्सोल्युटली तो एक फंडामेंटल ट्रूथ है। बिल्कुल मैम। और जैसा हम समझ पाए हैं, गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो जैसा हमने बताया कि जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज हैं या जो एडवर्टीजमेंट को लेकर जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन ना हो। सरकार या आस्की, जहाँ तक मैंने समझा है, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी का बिजनेस प्रभावित हो या देश में इस तरह का उदारवादी जो एडवर्टीजमेंट का कल्चर है वो ना आए, प्रोग्रेसिव कल्चर ना आए। उसके लिए हर कोई खुला है, लेकिन उसके लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर ब्रांड एम्बेसडर, बतौर इंडोर्सर, बतौर एजेंसी, बतौर ब्रांड। तो वो लकीर खींचनी बहुत ज़रूरी है, यही मकसद है। डॉक्टर श्वेता, बहुत सारे आजकल न्यूट्रास्यूटिकल्स में तो हम देखते हैं कि कोई किसी ने 4 दिन बॉडी बना ली या 2-4 मैराथन भाग लिए, उसके बाद वो वो क्रिएटाइन के एक्सपर्ट हो जाते हैं, वो साइट्रुलाइन, ल्यूसिनाइन, जिंक, गाबा, मेरे पास बहुत सारे आ रखे, टेस्टोस्टेरॉन्स, इनके वो एक्सपर्ट्स बनने लग जाते हैं। ऐसा लगता है वो पता नहीं कहाँ से रट के आते हैं, चीज़ें देख के आते हैं। बड़ा ऐसा तो नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अगर निगरानी बढ़ा दी, मॉनिटरिंग बढ़ा दी, तो थोड़ा सा बिजनेस को कोई नुकसान हो, ऐसा तो कोई आशंका नहीं है ना? देखिए, हम लोग कोई भी, हम भी पूरे पब्लिक हेल्थ वाले लोग हैं, हम लोग कोई एंटी बिजनेस नहीं है, लेकिन हम प्रो हेल्थ हैं। तो मतलब हमारे को ये जरूरी है कि हमारी पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटाइज हो और एट द कॉस्ट ऑफ पीपल्स हेल्थ कोई चीज डिसीजन ना हो। तो जो बात रही आपकी बिजनेस की, तो हम लोग तो ऑप्शंस मांगते ही हैं कि R&D में इन्वेस्ट किया जाए, अच्छे ऑप्शंस निकाले जाएं जो हेल्दियर हो, जो यू नो रीफॉर्मुलेशन, जैसे हम बोलते हैं सॉल्ट का, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे सोडियम का हम लोगों ने लो सॉल्ट कर देते हैं, या कई बार हम लोग उसको कंफ्यूज कर देते हैं कस्टमर को हाइपरटेंशन के लिए। पर इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे को, जिनको हाइपरटेंशन है और वो नमक वाली चीजें एंजॉय करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बिजनेस हमारे आगे आए और हमारे को इस तरीके के ऑप्शंस दे। लेकिन वही अल्टीमेटली द पॉइंट कम्स टू कि अच्छी रोबस्ट रिसर्च,
हो, अच्छा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हो के पूरी टेस्टिंग करके वो प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया जाए और उनके साथ मतलब यू नो लाइक उनको आप करें. तो कई सारे लोग होते हैं इसको जो जो रश करके कमर्शियल इंटरेस्ट पे ध्यान चला जाता है. हमें लगता है कि वो चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है. एंड वन बैड एप्पल स्पॉइल्स द बास्केट वाली बात है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे बिजनेसेस पे हम टारगेट कह रहे हैं. लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स जो है मतलब इंडस्ट्री का जो वो है वो बहुत बार देखा गया है कि दे ट्राई टू डिनाई, दे ट्राई टू डिफ्लेक्ट एविडेंस. इसलिए थोड़ा सा मतलब जिसे बोलना चाहिए, मैंने पब्लिक हेल्थ में बहुत बार फेस किया है कि इंडस्ट्री का प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर कि ये यू नो लाइक ये चीज़ों को कमर्शियली हमें बेटर करने के लिए. लेकिन आई थिंक हम सब इसमें, उनके भी बच्चे हैं बिजनेस वालों के भी, उनके भी यू नो परिवार वाले हैं, तो हमें हेल्थ को तो साथ लेके चलना ही पड़ेगा. दीपक जी, जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं लोग उनके लिए तो ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स जो है अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके कूद जाते हैं मैदान में. आप कम से कम वो ये बताएं कि इनके पास क्वालिफिकेशन क्या है. तो ऐसे में जो जेन्युइन बिजनेस है, जो जेन्युइन बिजनेस हाउसेज हैं, उनके लिए तो एक बहुत अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड तो आएगा ही आएगा. लेवल प्लेइंग का एक साफ सुथरा मैदान उनके सामने होगा, क्योंकि जो आपने बताया जो जो सड़ा हुआ सेब है जो टोकरी का, कम से कम उसका पहचान तो हो, बाहरी आवरण से तो पता चल नहीं पाता है. तो इसलिए सर्जरी आवश्यक थी. कब आएगी ये गाइडलाइंस, इनमें हमको देखना होगा, लेकिन एक अच्छा कदम. बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम, आपने वक्त निकाला. श्वेता मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम.